हेलो गाइज, आज की वीडियो के अंदर चाइना एलईडी लाइट जैसा अंदर नाम लिखाना चाहते हैं ऐसा लिखा सकते हैं, और ऐसी दिखती है लाइट। हम उसका वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी जलेगी, उसकी रोशनी भी बहुत ही अच्छी होगी। हेलो गाइज, आज के वीडियो के अंदर हम पिकासो कंपनी की हेडलैम्प असेंबली विथ डूम, ये दोस्तों लुधियाना यानी कि पंजाब लुधियाना से हमने मंगवाई है, उसका वायरिंग करके हम दिखाएंगे। दोस्तों ऐसी दिखती है, आप जैसा नाम लिखाना चाहते हैं अंदर ऐसा लिखा सकते हैं, लेकिन भाई साहब ने उनका सरनेम पंडित है इसलिए उन्होंने पंडित लिखा है, और पीछे से इतने सारा वायरिंग है, जंक्शन वायरिंग है, उसका वायरिंग हम करके दिखाएंगे, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त वायरिंग है। किस तरीके से वायरिंग देना है अगर जानना है तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएंगे हम। स्प्लेंडर BS6 FI वाली बाइक के अंदर हम वायरिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये वीडियो वायरिंग के। दोस्तों इस तरीके से उसका वायरिंग है, और ये मेरे दाहिने हाथ में है ये वाला, ये दोस्तों अर्थ है, ये अर्थिंग है, नेगेटिव है, और ये तीन पॉजिटिव है यानी कि प्लस वायर है, और हमने ये छोटे छोटे तार के पिन लिए हुए कि पहले हम उसको जॉइन कर लेंगे, यानी ग्रीन वायर को हम अर्थ से जॉइंट करेंगे। दोस्तों उसका वायरिंग अच्छी तरीके से देखें कि अगर आपके पास भी आए तो आप भी वायरिंग कर सकें। दोस्तों उसको अच्छी तरीके से टैपिंग कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों हम पॉजिटिव सिरों को भी पिन लगाकर हम आपको पिन लगाने के बाद जॉइन करने के बाद हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमने वायरिंग कर दिया है, ये तीन सिरे दोस्तों पॉजिटिव है और एक ये नेगेटिव है। दोस्तों हम बाइक के अंदर वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों जो ये पुरानी हेडलाइट थी जो कंपनी असेंबल थी उसके अंदर तीन वायर, हम इसको निकाल देंगे, इस सॉकेट को निकाल देंगे। ये माइनस है, अर्थ है, हम उसको अर्थ के साथ जॉइंट कर देंगे। और ये अपर डिपर कौन सा है हम चेक करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमने वायरिंग करके देखा लेकिन लाइट जलती नहीं है, क्योंकि उसका वायरिंग दोस्तों बैटरी चार्जर से आता है, इसलिए हम उसको घुमा देंगे, हम बैटरी से उसको कन्वर्ट कर देंगे, बैटरी से ये लाइट जलेगी यानी कि 12 वोल्ट से वो लाइट जलेगी। हम आपको वायरिंग करके आपको दिखाएंगे। दोस्तों बैटरी से कन्वर्ट करने के लिए इग्निशन लॉक के अंदर किस वायर के अंदर चालू करने से करंट आता है और किस वायर के अंदर चालू बंद करने से वोल्टेज बंद होता है उसको पहले चेक करना पड़ेगा। हम एक छोटे से डूम की मदद से, बल्ब की मदद से चेक करके दिखाएंगे। ये दोस्तों चालू करने से चालू होता है और बंद करने से बंद होता है, यानी कि रेड एंड ब्लैक के अंदर देना है,
एक स्विच का एक वायर को, हमने स्विच एक जॉइंट की है ऊपर स्ट्रिंग पाइप के ऊपर, ये वाली दोस्तों एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। स्विच के दूसरे सिरे को अपर डिपर स्विच की सॉकेट के अंदर देना है, यानी कि येलो वायर के अंदर देना है। हम पहले हम इग्निशन स्विच की जो सॉकेट आती है उसके अंदर हम देंगे। यानी कि रेड एंड ब्लैक के अंदर देना है, जो पतला होता है उसके अंदर देना है। एक रेड एंड ब्लैक, एक मोटा होता है और एक पतला होता है, पतले के अंदर देना है। दोस्तों अपर डीपर का वायरिंग हो गया है, लेकिन इस सिरे का वायरिंग बाकी है। जो अंदर पंडित लिखा हुआ है उसका वायरिंग बाकी है, इसी तरीके से वो अपर डीपर होगी। और इस स्विच की मदद से हम दोस्तों अंदर जो पंडित लिखा हुआ है उसको हम वायरिंग करके दिखाएंगे। एक स्विच यहाँ पर लगाइए और दूसरी स्विच यहाँ पर लगाइए, दो स्विचों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपर डीपर रात के अंदर चालू रखनी है और पंडित लिखा हुआ है वो दोस्तों दिन के अंदर चालू रखना है, इसलिए दो स्विचों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने दूसरी स्विच का वायरिंग इग्निशन लॉक के अंदर दे दिया है इसी तरीके से। और दूसरे सिरे को दोस्तों, जो दूसरा सिरा खुला था दोस्तों, जो पंडित लिखा हुआ सिरा है वायरिंग का, उसके अंदर देना है। दोस्तों इसी तरीके से ब्लिंक करेंगे, यानी हेडलाइट के अंदर पट्टी भी दिखेगी और पंडित भी लिखा हुआ दिखेगा दिन के अंदर। और रात के अंदर दोस्तों अपर डीपर स्विच होगी, अपर डीपर लाइट जलेगी। दोस्तों हम बाइक के वो सब सारा फिटिंग करके, सब कुछ फिटिंग करके हम दोस्तों उसकी रोशनी भी दिखाएंगे और किस तरीके से ब्लिंक करता है वो भी दिखाएंगे। हेलो गाइज, हमने सब कुछ फिटिंग कर दिया है, इसी तरीके से दिखती है दोस्तों। उसकी रोशनी दोस्तों उजाले के अंदर बहुत ही अच्छी है, दिन के अंदर भी दोस्तों उसकी रोशनी बहुत ही अच्छी पड़ेगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।